चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? मेरे पास से आ रही है। तुम्हारे पास कौन है? आप हैं। लेकिन मैं तो नहीं रो रहा। मैं रो रही हूँ निदीम। महमूद क्या है? अरे मेरा नाम क्यों भूल जाती हो तुम? मैं आपका नाम तो नहीं भूली शकील। मेरा नाम शकील है। लो खुद ही भूल गए। अरे बाबा तुम रो क्यों रही हो? मुझे ना मेरी वो बहुत याद आ रही है आज। वो कौन? वो जो मैं नबील की लगती हूँ। बहन? नहीं वो जो बहन की भी होती है ना एक दूसरी बहन, वो जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बिल्ली? बिल्ली अपने बच्चों की क्या होती है? और मुझे माफ कर दे मेरी माँ। माँ माँ तो मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही है। तुम्हें मरने के इतने साल बाद माँ की याद आ रही है? मैं तो जिंदा हूँ। मैं तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ भी जिंदा है नसीम। तुम्हारी माँ का नाम नसीम है? ला नसीम तो मैंने आपको बोला है। अरे जब उनका नाम नसीम नहीं है तो फिर मुझे क्यों बोला? मेरा मतलब है फोन पे बात करा देना उनसे आप। अच्छा अब बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, सुबह करवा दूंगा। सो जाओ रोना नहीं। ना ना, ना इसकी लग जाएगी, पानी भी नहीं है कमरे में। सो जाओ शाबाश, ऐनक उतार लो। जी रो रही है? नहीं गाना गा रही है। कौन सी जबान में? क्या हुआ माँ जी? कब? आप रो क्यों रही थी? मुझे तेरी वो बड़ी याद आ रही है। बचपन की शरारतें? नहीं वो। वो क्या? मैं जिनकी बेटी हूँ। हाँ माँ जी वो तो लगता है। खूबसूरत लगती हूँ मैं। हाँ थैंक यू। माँ जी आप रो रही थी? बेटा मुझे वो याद आ रही है। माँ जी खुदा का वास्ता बता दें आपको कौन याद आ रहा है, पर आप ये भी भूल जाएंगी कि आपको कोई याद आ रहा है। अरे वही जो तेरे नाना की वो है। आपको बचपन में बादाम क्यों नहीं खिलाए नानी अम्मा ने? हाँ अब खिलाए थे? नहीं मुझे याद आ गया। कि नहीं खिलाए थे? नानी मुझे तेरी नानी याद आ रही है बेटा। तो उनके नाम का सदका करा दे, बड़ा सवाब पहुँचेगा। खूबसूरत मेरी नानी जिंदा है क्या? हाँ नबील तुम्हारे खानदान में क्या मरने वरने का रिवाज नहीं है? चुप करो खूबसूरत। माँ जी अगर नानी इतनी याद आ रही है तो उन्हें बुला ले। क्या? ये ठीक है, तू फोन लगा। कहाँ? नानी के घर पे। नानी के घर फोन लगा हुआ है माँ जी। नंबर बुला। अच्छा जी माँ जी। हाँ जी। नानी तो आगे से अंग्रेजी बोल रही है। खूबसूरत। ये क्या तरीका है नबील दरवाजा खोलने का? नहीं। फिर तुम्हारी नानी यहाँ क्यों आ रही है? वो अपनी बेटी से मिलने आ रही है। उनकी बेटी भी आ रही है? मेरी माँ उनकी बेटी है खूबसूरत। तो महमूद साहब की बीवी तुम्हारी कौन है फिर? मेरी माँ। दो आए हैं तुम्हारी? अरे वो मेरी माँ जी से यहाँ मिलने आ रही हैं। मेरी माँ जी मेरी नानी की बेटी हैं। नबील इस घर में सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदार क्यों आते हैं? मेरे पापा ने इसलिए ये घर नहीं लेके दिया है। खूबसूरत तुम नहीं जानती अपने पापा को। नहीं मेरी नानी को, वो दिल की बहुत अच्छी है। नहीं अच्छी, बहुत प्यार करने वाली। किसको? सबको। नबील मैंने यहाँ कोई आश्रम नहीं खोल रखा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हिंदी बोलते हुए खूबसूरत। हिंदी मैंने नहीं तुमने बोला है।
मेरी नानी कोई ऐसी वैसी नानी नहीं है, करोड़पति है, करोड़पति। करोड़पति और तुम्हारी नानी, तुम्हें यकीन नहीं आया ना? नहीं। एक बार नानी को आने दो, यकीन आ जाएगा। सुनिए, क्या है आपको टैक्सी चाहिए? मैं टैक्सी का क्या करूँगी, मेरे पास तो गांव में अपनी 6 गाड़ियाँ हैं। हम ये टैक्सी बेच नहीं रहे। तो क्या मुफ्त में दे रहे हो? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको कहीं जाना होगा ना? हाँ जाना तो है। तो चलिए। इसमें चलने की जगह कहाँ है? अरे बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे तुमने तो पहले ही सवारी बिठा रखी है। ये सवारी थोड़ी है, ये तो मेरा को ड्राइवर है। जब मैं थक जाता हूँ ना तो ये ड्राइव करता है। ना बिना तेरी गाड़ी ऑटोमेटिक भी नहीं है। प्लीज चल लीजिए, सुबह से कोई सवारी नहीं लगी है, किराया कम दे दीजिएगा। अच्छा चल। लाए, ये बैग मुझे दे दे। नहीं नहीं, बहुत कीमती है। लगता तो नहीं है। अब लगा? जी हाँ। चल आए, बड़ी गर्मी है कमबख्तो। हाँ है तो। आए, क्या तुम्हारी गाड़ी में एसी वेसी नहीं है? हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है और आप एसी की बात कर रही हैं? हाँ तो मुझसे ले लो ना। एसी? जहर खाने के पैसे। वैसे मेरी हवेली में कुछ एक्स्ट्रा पड़े हैं। जहर खाने के पैसे? अरे नहीं, 3-4 विंडो एसी पड़े हैं, तो आई गाड़ी में लग जाएंगे ना है? हाँ हाँ विंडो, हाँ ये विंडो ही में तो लगेंगे। एक तो ये हीरे की अंगूठियाँ पहनने से ना हाथों में खुजली बहुत होती है। ऐसे क्या देख रहे हो कमबख्तो, क्या पहले उंगलियाँ नहीं देखी? चलो पहली बार अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी। हाँ क्या ये अंगूठियाँ आप अपनी बेटी को देंगी? अंगूठियाँ क्या, बैग भरा पड़ा है जेवरात से। हैं? और क्या, 2-4 सोने की सेट तो डाल ही दूंगी। कहाँ? बेटी के गले में। आपकी बेटी का घर कहाँ है? लीजिए घर आ गया। भाई घर नहीं, टैक्सी आ गई। सर टैक्सी तो हमारे पास पहले से थी। कमबख्तो ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं। तो दरवाजा खोलो। बेल बजाएं? बेल कहाँ है? अरे वो रही दरवाजे के साथ। हाँ तो दरवाजा खोलोगे तो मैं बेल बजाऊंगी ना। हम कैसे खोलेंगे, हम तो अंदर बैठे हुए हैं। तो बाहर से खोलो। हैं? ये दरवाजा बाहर से खुलता है? कमबख्तो मैं टैक्सी के दरवाजे की बात कर रही हूँ। ये ले। खुला नहीं है आपके पास? अरे रख ले रख ले। सारे? हाँ हाँ, ऐसे 10-20 तो मैं रोज उठा देती हूँ। हाँ उस्ताद, माँ की टाइट लगती है। शर्म नहीं आती तुझे? तेरी माँ के बराबर तो होगी। उस्ताद मैं कह रहा हूँ पैसे वाली पार्टी लगती है। तो तो, तो? ऐसे क्या देख रहा है? आपको ये दरवाजा आपने खटखटाया है? मेरे अलावा और कौन है यहाँ जो दरवाजा खटखटाएगा? मैं मजाक कर रहा है वैसे? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई ये दरवाजा खटखटा सकता हूँ। ये देखिए, मेरी बेटी कहाँ है? यहाँ आई थी। अरे मैं मुमताज की बात कर रही हूँ। वो आपकी बेटी है? वो कौन? मुमताज। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? नहीं नहीं सुनाई देता है, बताइए। क्या बताऊँ? के मुमताज आपकी बेटी है। अरे लिख के दूँ? क्या कि मैं मुमताज की माँ हूँ? नहीं नहीं लिखने की क्या जरूरत है, बस आप मुझे बता दें। हट परे, वैसे बता दे।
मियाँ ही तुझे बहुत याद है। ये कौन है? ये फरीद है। फरीद महमूद। हाँ फरीद महमूद। नानी जान, नानी जान, नानी जान। कैसे है तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी जान, आप कैसी हैं? ये कौन है? ये खूबसूरत है नानी अम्मा। आंखें खराब है क्या? नहीं इसकी आंखें बिल्कुल ठीक है नानी अम्मा। तेरी आंखों की बात कर रही हूँ, तुझे ये लड़की खूबसूरत लग रही है। इसका नाम खूबसूरत है नानी अम्मा। नाम से क्या होता है? नानी जान ये मेरी बीवी है। हाय हाय, तुझे कोई ढंग की लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए? अरे अच्छी भली तो है हमारी खूबसूरत। ये आदमी कौन है? ये वो है अम्मी जी। वो कौन अम्मी जी? वो। अरे वो कौन? वो मेरे मियाँ। क्या? जी हाँ। इतनी शर्म नहीं आई इतने बुजुर्ग आदमी से शादी करते हुए? कैसी बातें कर रही है अम्मी जी? ऐसे ही तो कह रही हूँ, मुझसे कम से कम 20-30 दिन बड़ा ही होगा। ये ज्यादा हो गई है। चलो 4-5 दिन ही बड़ा कर लो। अगर तुझे शादी करनी थी तो 4-5 साल छोटे बंदे से करती, जैसे इसने की। जी नानी अम्मा, मैंने खूबसूरत है आपकी बड़ी तारीफें की हैं। शुक्र है मुझसे इसकी तारीफ नहीं की। देखे ना अम्मी जी, अब जो कोई भी है जैसी भी है, अब आपकी बहू है ये और मैं आपका दामाद। तुम तो वहीं खड़े रहो मियाँ। हैं? इसके मियाँ। खूबसूरत नाम की लड़की जरा इधर का मेरे पास। जी है ये। वाओ, ये सोने का है? नहीं जागने का है। सोते वक्त मत पहनना। क्यों? बच्चा जख्मी हो जाएगा। नहीं हमारा कोई बच्चा नहीं है अभी। कैसे? मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। नानी अम्मा आपको आराम करना चाहिए। जी नानी अम्मा, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम चुप करो, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नानी अम्मा आइए आइए, नानी अम्मा आइए 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 मेरे साथ आइए आप। सुनिए वो क्या आप उम्र में बहुत बड़े हैं मुझसे? नहीं नहीं ऐसे 2-4 घंटे बड़ा होगा। अच्छा चलो फिर कोई बात नहीं। जानू नानी अम्मा को मजाक करने की आदत है। मेरे साथ ये कम मजाक है कि मेरी तुमसे शादी हो गई है नबील? तुम्हें भी तो मजाक करने की आदत है ना जानू। जा चाचा। ए लड़की कुछ खाना वाना बना लेती हो? आप हुक्म करें नानी अम्मा, क्या पकवाना है आपने? ऐसे पूछ रहा हूँ बेगम, ऐसे भी क्या जल्दी है? मैं नहाने जा रही हूँ, जल्दी से कतरम में बना लेना। आप उनसे नहाएंगी? अरे खाऊंगी। नहाते में? नहाने के बाद। आते हैं ना कतलब में बनाने? बनाना तो दूर की बात, पहले ये बताइए लिखते कैसे हैं? तुम्हें ये लिखना नहीं आता खूबसूरत? नबील मैं कतलमों की बात कर रही हूँ। कतलब में लिखने नहीं है बनाने हैं। आप जाए नानी अम्मा नहाए, ये बना लेगी। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जानू खाने में। प्यास लगी है? नहीं हमें प्यास लगी है। तो मैं क्या करूं? ठंडा पानी मिल सकता है? तुम्हारे घर में वो नहीं है? फ्रिज? नहीं वो। वो क्या? वो जिसमें पानी होता है, कुआं। मैं हमें कुएं का पानी नहीं पीना बे। नहीं कुआं नहीं वो। उस्ताद ये ऐसी दिमाग की दही बनाती रहेगी, आप निकालो। मैं कुएं से पानी कैसे निकालूं? उस्ताद पिस्तौल निकालो कुएं से। उस्ताद अपनी पतलून से। क्या हुआ बेगम? बाहर वो आ गए अशरफ। कौन अशरफ? अशरफ तो मैं आपको कह रही हूँ। मुझे क्यों कह रही हूँ? मेरा नाम महमूद है। हाँ महमूद, बाहर वो आ गए। वो कौन? मुझे रात को घर में घुस जाते। मच्छर? नहीं मच्छर नहीं वो। अरे कौन है भाई? पकड़ जो हिलने की कोशिश की तो गोली मारूंगा। बेगम मुझे पकड़ो, मैं हिल रहा हूँ, मुझे जान से मार देंगे। कौन हो तुम लोग? हम चोर हैं। चोर 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 चोर। अरे बेगम चोर आए हैं, मेहमान नहीं आए। खामोश। नबील ये तो वो लोग नहीं है जिन्होंने मुझे किडनैप किया था? हाँ वही हैं। भाई खूबसूरत यहाँ है। नबील ओए कल्लू, ये वही लौंडा लौंडिया है ना? हाँ ए, वही हो ना तुम लोग? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना। कैसे हैं भाई जान आप लोग? क्या भाई खड़े रहे, सुना नहीं तुमने? तुम लोगों से तो पिछली बार का भी बदला लेना है। ए,
निकालो जो कुछ तुम्हारे पास है। मेरे पास तो सिर्फ मेरी बीवी है, भाई इसे निकाल दूं। नबील देखिए बेटा, भाईन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये जो घर है ना ये भी उसका है। किसका? उसका, जवेद साहब का। नहीं ये घर ना उसका है। किसका माँ जी? अरे वही ना जो टैक्सी वालों को देते हैं। गालियाँ? नहीं किराया। हाँ ये घर ना ये किराए का घर है। बकवास बंद करो, हमें सब पता है। वो अम्मा इसी घर में आई है जेवरात का बैग लेकर। बड़ी दौलत है उस बुढ़िया के पास। कहाँ है वो और उसकी दौलत? वो बाथरूम में है। कल्लू जाकर देख। मैं नहीं देख रहा। अबे जाकर नकदी और जेवरात देख, कहाँ छुपाए इन्होंने। खबरदार जो मेरे बेडरूम में कोई गया। चुप, खामोशी से जाके सोफे पे बैठो। किसी ने अगर चलाकी करने की कोशिश की तो उसे गोली मार दूंगा। मुझे तो चलाकी आती ही नहीं है ना। मुझे गोली वैसे दे तो भाई पानी से खा लूंगा। तुम्हें मारते क्यों नहीं हो? मैं हूँ सबको, इन चोरों को। बेचारे रोएंगे। बड़े बुजदिल आते। खूबसूरत, उनके हाथ में पिस्तौल है, लाइटर नहीं है। लाइटर है नबील, मारो जाओ जाओ। उसमें आग है, अगर उन्होंने मुझे जला दिया तो। यार ये अम्मा कब आएगी? सन्नाटा क्यों है भाई? तुम लोग क्या बाकी पैसे वापस करने आए हो? हम पैसे देने नहीं लेने आए हैं। क्या? अरे पैसे निकाल बुढ़िया। इसको बुढ़िया कहो तुमने? हैं, दो चार साल ही बड़ी होंगी, कमबख्त अब बदमाश अपनी शक्ल तो देख। उस्ताद मेरी नहीं, अपनी शक्ल देखो। गोली मार दूंगा अब्बा। गोली मारेगा तू मुझे? गोली मारेगा? बस बहुत हो गया। देखा मेरी अम्मा को कितनी वो है। छोरी ये दूंगी। नानी जान ये लोग बड़े खतरनाक हैं। अच्छा अब्बा, नानी जान प्लीज आप इनसे हमारा पीछा छुड़वा दें। तुम फिक्र ना करो मेरे बच्चों, उनको तो मैं ठीक करती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। बस बहुत हो गया, ये पिस्टल लगनी नहीं है, तू तो गई आज। हाँ। अरे देख क्या रहे हो, जो मांग रहे दे दो, सब दे दो। तुमने सारा सामान रख दिया ना? ये मेरे पास यही था। हाँ नबील बेटा तुम अपनी घड़ी भी रख। नानी जान बेटा बहुत गरीब है, इनकी टैक्सी में एसी भी नहीं है। और भी कोई सामान हो तो भी रख दो। ये कपड़े? नहीं कपड़े नहीं, कपड़े नहीं। मुमताज? हाँ जी। वो जो मैंने शादी में जेवर चढ़ाए थे वो रख दिए? हाँ जी रख दिए। एक बात तो बताए अम्मी जी, आप हम लोगों के साथ है या इन कमीनों की तरफ है, है? अच्छा तुम ये सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये सब तो ठीक है बढ़िया, अब जरा वो बैग निकाल जो तेरे पास था। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।